अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द मोमिनज़ किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना लौकी की खीर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे एक बर्तन ली हूँ और गैस जो रखी हूँ मैंने हाई फ्लेम पे। यहाँ मैं डाल रही हूँ अमूल दूध टेट्रा पैक का। आप चाहे तो पैकेट्स के भी दूध ले सकते हैं, लेकिन टेट्रा पैक की दूध की खीर बहुत अच्छी बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 2 लीटर दूध और मैं इसे पूरा बर्तन में डाल दूँगी। गैस जो है वो हाई फ्लेम पर है। अब यहाँ पे साथ में जाएगा शक्कर और मैं शक्कर यहाँ पे ले रही हूँ 1/2 कप जितना। मैं ज़्यादा शक्कर यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे हमारे घर में ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं, लेकिन मैं शक्कर कम डालने की एक और वजह है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। गैस जो रखना है आपको हाई फ्लेम पर और बड़े स्पून की मदद से आपको इसे अच्छे से हिलाते रहना है। 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट बाद यहाँ पे साइड्स पे बबल्स आ गए हैं दूध के, मतलब दूध बॉईल की तैयारी कर चुका है। यहाँ मैं डाल रही हूँ भीगा हुआ साबूदाना 2 कप और मैंने यहाँ पे साबूदाना को दूध में डाल चुकी हूँ। आपको अच्छे से मिक्स करना है स्पैचुला की या तो बड़े स्पून की मदद से, ताकि साबूदाना जो है वो नीचे लगे ना, दूध में चिपके ना। इस तरह से आपको हिलाते रहना है कंटिन्यूसली 5 मिनट तक। अब यहाँ पे जाएगा 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर, आप चाहे तो कूट के भी डाल सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स करते रहना है आपको। 5 मिनट बाद आपको देखना है, चेक करना है जो साबूदाना है ये फूला कि नहीं। यहाँ पे अच्छा खासा फूल चुका है, सरफेस पे अच्छा खासा ऊपर की तरफ आ गया है साबूदाना, नीचे बिल्कुल भी नहीं बैठा है। तो इसका मतलब साबूदाना 80% हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डालूँगी लौकी। लौकी को मैंने ग्रेट कर दी थी, 2 कप लौकी है, इसे आपको ग्रेट कर देना है। यहाँ मैंने डाली हूँ 1/2 टीस्पून फूड कलर और ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, डालना है तो डाल भी सकते हैं। और साथ ही साथ इसके जाएगा कंडेंस मिल्क। मैंने अमूल का मिल्कमेट कंडेंस मिल्क ली हूँ। अगर आपके पास मिल्कमेट नहीं है या आपको नहीं डालना है तो आप इसकी जगह पे खोवा भी डाल सकते हैं, लेकिन मिल्कमेट बहुत अच्छा लगता है इस खीर में। इसे भी मैंने डाली हूँ 1 कप जितना। इसलिए मैंने आपको ये बात पहले बताई थी कि मैंने शक्कर कम डाली थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर कंडेंस मिल्क डालना था। और मैंने यहाँ पर डाली हूँ ड्राई फ्रूट। मैंने यहाँ पे ली हूँ बादाम और कुछ काजू, 1 हैंडफुल मैंने डाली हूँ। आप चाहे तो कोई भी आपकी पसंद का ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। यहाँ मैं 10 मिनट और इसे दूंगी। काफ़ी अच्छा ये पक चुका है, गाढ़ा हो चुका है। यहाँ पे मैं कर दूंगी गैस ऑफ। काफ़ी थिक हो चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है खीर। अब मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। तैयार है यहाँ पे लौकी साबूदाना की खीर, बहुत ही मज़े की बनती है। आप लोग ज़रूर घर में ट्राई करें और इसे आप गार्निश करें बादाम के साथ, पिस्ता के साथ और काजू के साथ, जो भी आपका मन करे वो ड्राई फ्रूट लेके आप इसे गार्निश करें। आप इसे फ्रिज में 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, ठंडी ठंडी खीर भी आप खा सकते हैं और ज़रूर आप घर में ट्राई करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। Stay safe, stay healthy, and thanks for watching.